नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज दूसरे दौर का मतदान 94 सीटों पर 17 जिलों में बिहार में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आइए तस्वीरों के साथ हम शुरुआत करते हैं। जानकारी के साथ अलग अलग जगहों की तस्वीरें आ रही हैं। कई जगहों पर वोटिंग में इस बार गिरावट, मतदाता के लगभग 3 बजे तक 44% वोटिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद से अब माना जा रहा है कि आखिरी के 3 घंटों में अगर वोटिंग में रफ्तार हम देखते हैं और 10-15% का इजाफा होता है तो लगभग पिछली बार के बराबर वोटिंग का परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन अभी 44% के करीब वोटिंग हुई है शाम 3 बजे तक। न कोई तामझाम, न कोई बड़ी बातें। पटना में राजभवन के बूथ नंबर 326 पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार वोट करने आए बगैर कोई राजनीतिक बयान दिए चले गए। लोगों को मतदान करना चाहिए, लोगों को मतदान करना चाहिए। नीतीश चौथी बार जनादेश पाने के लिए मैदान में है। उनके डिप्टी सीएम सुशील मोदी सुबह के शुरुआती घंटों के वोटर्स में शामिल थे। सुशील मोदी ने पटना के कुम्हार विधानसभा क्षेत्र के सेंट जोसेफ स्कूल पोलिंग बूथ में मतदान किया। कि आज ये चुनाव का दिन है, आज के दिन कोई राजनीति की बात नहीं होगी। मैं सभी मतदाताओं से यही अपील करूंगा कि कोरोना से डरे नहीं, और जिस तरह प्रथम चरण के अंदर भारी मतदान हुआ है उसे भारी मतदान दूसरे चरण में होना चाहिए, क्योंकि दूसरे चरण के अंदर जो सीटें हैं वहाँ आबादी का घनत्व बहुत ज़्यादा है पहले की तुलना में, इसे लोग घरों से निकले और वोट करें। पहले जलपान फिर मतदान, इस नारे को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान बिल्कुल साकार कर रहे हैं। मतदान शुरू होने के घंटे भर के भीतर ही पटना के एक बूथ पर फागू चौहान मतदान करने पहुंचे। नीतीश की सत्ता को चुनौती दे रहे तेजस्वी यादव ने अपनी मां राबड़ी देवी के साथ पटना के बूथ नंबर 160 पर मतदान किया। एलजेपी चीफ चिराग पासवान अपने गृह जिला खगड़िया के अलौली विधानसभा क्षेत्र में सुबह सुबह मतदान करने पहुंचे। वो अपने चचेरे भाई सांसद प्रिंस राज के साथ आम वोटर्स की तरह कतार में नजर आए। मतदाताओं का ये अधिकार है अगले आने वाले 5 साल में अपना बेहतर भविष्य चुनने का, उनके पास ये एकमात्र मौका होता है। इसमें अगर कहीं चूक हो गई, इसमें अगर कहीं ढिलाई हो गई तो 5 साल हम लोग के बर्बाद हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे अपील भी की है, आग्रह भी किया है कि अपने अधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो आपको लगता है कि आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है, जो बिहार को बेहतर विकास की राह पर लेकर जा सकता है, उनको ज़रूर चुनें। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी, बांकीपुर से कांग्रेस प्रत्याशी लव सिन्हा के पिता अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी पूरे उत्साह के साथ मताधिकार का इस्तेमाल किया। बहुत जान है, लोग कहते हैं ना बिहार में का बात, बिहार में बहुत जान बा। अभी पता चल जाए कितना जान बा। अब ये 3-4 दिन में 10 तारीख के पता चल जाए। पटना के पूर्व सांसद सीपी ठाकुर और राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर उन बड़ी हस्तियों में शामिल रहे जिन्होंने अगले 5 साल के लिए सरकार के लिए वोट दिया। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त पटना से। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप एक बार तो नजारा वहां का दिखाइए कुमार अभिषेक, और कुल मिलाकर देखिए एक तरफ दिग्गजों की किस्मत आज दांव पर है तो ऐसी सीटें हैं जहां पिछली बार एनडीए की परफॉर्मेंस अच्छी थी। क्या तस्वीर अभी तक समझ में आ रही है कुमार अभिषेक? देखिए अंजना, पहले तो मैं आपको दिखा दूं दृश्य। हम इस वक्त लालगंज वैशाली में है, पटना से कुछ किलोमीटर की दूरी पर, और इस वक्त अब 1 घंटे का तकरीबन वक्त बचा है चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने में। अब वोटर बिल्कुल कम है इस वक्त, हालांकि कहा जाता है कि शाम होते होते कुछ तादाद बढ़ती है। पटना में दिन भर आज हम लोग थे और पटना में वोटिंग की रफ्तार थोड़ी कम रही, लेकिन फिर भी लोग निकले हैं, वोट किया है। वैशाली हम उस जगह पर हैं जो दुनिया का पहला गणतंत्र कहा जाता है। इस बार तमाम लोगों की नजरें टिकी हैं कि आखिर होता क्या है, क्या बदलाव होता है या फिर नीतीश कुमार रिटेन करते हैं।
कांग्रेस की भी चर्चा है, हम चूंकि यहां पर हैं तो हमारे साथ यहां के प्रत्याशी हैं, पूर्व प्रवक्ता हैं कांग्रेस के राकेश सिंह जी। राकेश जी ये बताइए कि ये कांग्रेस कहां है इस बार, क्योंकि सीधी लड़ाई महागठबंधन और एनडीए की दिखाई दे रही है, कांग्रेस की चर्चा है आपको लगता है? अरे मैं कांग्रेस का कैंडिडेट हूँ और महागठबंधन के समर्थन से हम लोग की सरकार बननी तय है इस बार। इस बार पूरे वैशाली जिला और लालगंज की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जन समर्थन अपार हमको मिल रहा है। इसकी बड़ी वजह है कि जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ जन में आक्रोश है, जिसका फायदा और जिसका हमको जिस जो लोग बदलाव चाहते हैं बिहार में और चाहते हैं कि नई सरकार बने और महागठबंधन की सरकार बने। कांग्रेस के अपने दावे हैं अंजना, लेकिन जिस तरीके की उम्मीद हम लोग कर रहे थे कि वोटिंग बहुत बड़े पैमाने पर होगी, तकरीबन 94 सीट इस बार है जो कि लगभग ये तय कर देंगे कि किसकी सरकार बनेगी, ऐसी स्थिति में अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। हम लोग पूरे रास्ते पटना से लेकर इस वैशाली तक पहुंचे हैं और हर जगह सिर्फ और सिर्फ इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर इस बार चुनाव में क्या होना है। कोई भी खुलकर इस बात को बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर क्या है मतदाताओं के मन में छुपा है, लेकिन निश्चित तौर पर इस बार का चुनाव बेहद बेहद कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण है। अंजना बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। सत्यजीत इस वक्त भागलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यजीत, अलग अलग थ्योरी ये भी होती है कि किसका वोटर आक्रामक है और किसका वोटर साइलेंट है, क्या इस बार ऐसा कुछ साफ दिख रहा है कि महागठबंधन के जो वोटर हैं वो काफी आक्रामक दिख रहे हैं और जो एनडीए के हैं वो साइलेंट हैं यानी शांत हैं, क्या इसमें क्या समझ में आ रहा है जमीन पर, और एक बार वहां का नजारा भी दिखाइएगा। देखिए बिल्कुल, सबसे पहले हम लोग आपको नज़ारा दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह का नज़ारा यहाँ पे है, और अचानक से दोपहर के बाद लोगों का थोड़ा सा हलचल जो है वो बढ़ा है, लोगों का कदम जो है बूथ के तरफ बढ़ चले हैं, और ये देखिए बिल्कुल जो यहाँ डेजर्टेड लुक था तो अब आपको देखिए लोग दिख रहे हैं। यहाँ 4 बूथ है, पीछे भी जो है महिलाओं के लिए अलग से बूथ बनाया गया है, तो यहाँ पे आप देखिए अब लोग जो है दिखने लगे हैं, कुछ लोग अंदर मतदान कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ हैं, और अभी थोड़ा सा और वक्त है तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि वोटिंग का जो परसेंटेज है वो पिक करेगा। और देखिए इसको हम लोग इस तरह से भी देख रहे हैं कि जैसा आपने बताया कि एग्रेसिव वोटिंग वाकई जो अगर ग्रामीण इलाकों को देखें या फिर कई ऐसे पॉकेट्स हैं जहां जो सो कॉल्ड जो है महागठबंधन के जो वोटर्स हो सकते हैं वो आपको दिखेंगे, लंबी कतारें वहाँ दिख जाएंगी कई इलाकों में, लेकिन वो भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। वो इसलिए कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने हिसाब से अपने पॉकेट को आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें ये उम्मीद रहती है कि यहाँ हमारे लोग हैं, तो वैसे इलाकों में हो सकता जो है कुछ भीड़ दिखी कई जगह जहाँ एनडीए के पॉकेट्स जिसको सो कॉल्ड बताया जाता है वहाँ पे भी भीड़ दिखी, लेकिन ना तो मुद्दे पे बात करने के लिए कोई तैयार है ना ही अपने दिल की कोई बात को दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये थ्रिलर और सस्पेंस के तरह हो जाता है कि आखिर जनता के मन में क्या ट्रांसपायर कर रहा है, वो किस तरह से जो है किस एजेंडा को जो है मन में रखकर वोट कर रहा है, और खास तौर से चैलेंजेस जो होता है, चुनौतियां जो होती है वो रूलिंग अलायंस जो होता है उसके लिए होता है, क्योंकि वो एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रहा होता है, और अगर आप लंबे समय से रूल कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा बाकी जो उनको चुनौती दे रहा है उनको हारने के लिए कुछ नहीं है, उनको वो उनको लूज करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो रूलिंग पार्टी रहता है उसको रिटेन करना है पावर, तो उसके लिए ज्यादा बड़ी चुनौती रहती है। तो ये जो है समझ में आ रहा है देखने से, ग्राउंड पे अगर मूव किया जाए और अगर वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, अगर ज्यादा हो रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं एक संकेत होता है कि किस तरह से वोटिंग का पैटर्न है, जनता का मूड क्या है, और अगर बहुत कम है। ठीक है, नारी सत्यजीत आपके पास, आनंद के पास सीधे लिए चलते हैं, बेगूसराय। ठीक है आनंद, जरा वहां की तस्वीर दिखाइए, और इस सीट ने तो जबरदस्त हाई पावर पैक्ड एक्शन देखा था लोकसभा चुनाव में, और अब विधानसभा चुनाव का क्या नजारा है, क्या तस्वीर है, बिल्कुल क्या समझ में आ रहा है? लेनिनग्राद कहा जाता है इसको, औद्योगिक शहर है एकमात्र बिहार का, और आप देखिए तस्वीरें यहाँ पे पोलिंग बूथ पे, ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी कि कहीं भी किसी भी बूथ पे लाइन नहीं है,
ये कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से ज्यादा पोलिंग बूथ बढ़ाए हैं, नंबर ऑफ बूथ्स जो बढ़ाए हैं, उसकी वजह से आपको कहीं भी लाइन नहीं दिख रही है। हम सुबह से बेगूसराय के अलग अलग मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जा रहे हैं, लेकिन हमें लंबी कतार जो यूजली देखने को मिलती है बिहार में वो देखने को नहीं मिली है। तो शायद ये कोविड प्रोटोकॉल का एक ये असर जमीन पे दिख रहा है कि सुबह से अब शाम होने को आ रही, लेकिन लंबी कतारें नहीं है अंजना। और ये शहर एकमात्र औद्योगिक शहर है, यहाँ पे एनटीपीसी का थर्मल पावर प्लांट है जो मोदी सरकार ने टेक ओवर किया बिहार सरकार से, एक फर्टिलाइजर यूनिट बहुत पुरानी थी जिसको रिवाइव करने की कोशिश हो रही है, इसके अलावा और भी कई उद्योग लाने की कोशिश हो रही है, जो डबल इंजन की बात लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं अपने रैलियों में। लेकिन इसके बावजूद जो बड़ी तादाद में माइग्रेंट्स आए थे, जो प्रवासी मजदूर आए थे अपने अपने गांव में, वो वापस लौट गए हैं बहुत सारे। हम कई सारे गांव में गए, वहां पे हमने देखा कि मजदूर जो हैं वो वापस चले गए हैं। ये स्थिति है औद्योगिक शहर की, यानी ये शहर अपने ही लोगों को काम नहीं दे पा रहा है, ये एक बड़ी विडंबना है। और इसके अलावा जिस तरीके से ये पूरा इलाका जहाँ पे ये चुनाव हो रहा है बेगूसराय का, यहाँ पे जो गांव के अंदर जो विकास है वो हमने एक देखा कि शहर जो नगर पंचायत हैं उसमें तो काम हुए हैं, लेकिन गांव में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे सड़कों की हालत खस्ता है। और यही वजह है कि जो मंजू वर्मा जेडीयू की मंत्री हैं, उनको कई जगह विरोध का भी सामना करना पड़ा, गांव में जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनकी कमी है। लेकिन ये जरूर है कि ये जो फेज है ये महागठबंधन के लिए बहुत अहम है। अगर आप पिछला चुनाव देखें 2015 का, तो जेडीयू आरजेडी कांग्रेस ने मिलकर के ये स्वीप किया था, 94 में से 70 सीटें निकाली थी, 33 आरजेडी की हैं, 7 कांग्रेस की हैं, 40 सीटें 94 में से अगर निकाल पाए इस बार भी महागठबंधन, तो एनडीए के लिए जरूर मुश्किल होगी। लेकिन बिहार का चुनाव आप जानते हैं कि किस तरीके से कास्ट मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है, तो अगर जो पिच पोल पिच इन्होंने रेस किया है डेवलपमेंट और जॉब्स का, विकास और रोजगार का, अगर वो जनता को समझ में आता है और कास्ट बैरियर को तोड़ के लोग वोट करते हैं, जरूर एनडीए के लिए मुश्किल हो सकती है इस चुनाव में। दूसरे दौर का मतदान 94 सीटों पर 17 जिलों में बिहार में हो रहा है, लगातार आप नॉन सच कवरेज देख रहे हैं, लेकिन इधर कवरेज जारी है, उधर कोरोना से बचने के लिए जो सावधानियां होनी चाहिए वो जारी नहीं है। लोग वोटिंग के इस दौर में कोरोना को पूरी तरह से भूल गए हैं, सावधानियां भी भूल गए। अपने बेहतर कल के लिए वोट है जरूरी, तो बेहतर कल को देखने के लिए कोविड से बचना भी उतना ही जरूरी है। बिहार चुनाव में मतदान केंद्रों पर कोविड फैक्टर साफ नजर आ रहा है, चाहे आम मतदाता हो या वीआईपी, आप सबके चेहरे पर मास्क साफ देख सकते हैं। मतदान केंद्रों पर तैनात सभी मतदान कर्मियों के चेहरे भी मास्क से ढके हुए हैं। बिहार के गवर्नर फागू चौहान तो फेस शील्ड लगाकर वोट देने पहुंचे। बिहार के लोगों से यही अपील करेंगे कि लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और वैसे भी बिहार जो है सबसे आगे है। जब हम लोग समझ रहे थे कि बहुत कम वोट पड़ेगा कोरोना के नाते, लेकिन फिर भी 54-55% वोट पड़ा, अब मुझे उम्मीद है इससे भी ज्यादा वोट पड़ेगा। मतदान केंद्र के बाहर की इन तस्वीरों को देखिए, 2 गज की दूरी का ख्याल रखते हुए वोटर्स के खड़े होने के लिए जमीन पर सफेद गोला बनाया गया है। कोविड को लेकर और भी कई तरह के प्रोटोकॉल्स अपनाए जा रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से इसे देखिए। मतदान केंद्र पर तैनात कर्मी पहले वोटर्स का तापमान लेते हैं, फिर हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर दिया जाता है। ईवीएम से हाथ का संपर्क ना हो इसके लिए हर वोटर को दस्ताने दिए जाते हैं। सारी कवायद इसलिए है क्योंकि वोटिंग की वजह से कोई अपने घर कोरोना लेकर ना चला जाए। आप पोलिंग बूथ में घुसने से पहले यहाँ पे आशा कर्मी तैयार बैठी हुई हैं, मास्क लगाकर, ग्लव्स पहन लेकर, और ये जो थर्मामीटर है, गन थर्मामीटर, ये भी हाथ में है, और जो भी मतदाता यहाँ पहुँच रहे हैं उनको जो है बाकायदा वो ग्लव्स दिया जा रहा है ताकि वो सुरक्षित तरीके से जो है वो मतदान कर सके। तो यहाँ पर तैयारी कोरोना काल में है कि किस तरीके से सुरक्षित मतदान किया जाए। पीएम मोदी ने तो कहा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इसे ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों में कोरोना को लेकर जागरूकता पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें बताया गया है कि कोरोना से बचने के लिए वोटर्स को पोलिंग बूथ पर क्या क्या करना है। वो तो
जिन सीटों पर भी चुनाव हो रहा है लोग घरों से बाहर निकले, दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें और अपने वोट का अवश्य मतदान करें। कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने मतदान को लेकर कई इंतजाम लागू किए। कोरोना की वजह से वोटिंग का समय भी एक घंटा बढ़ गया है। नक्सल प्रभावित इलाकों को छोड़कर मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक रखा गया है। कोरोना लक्षण वाले वोटर्स आखिरी घंटे में मतदान कर सकेंगे, उन्हें अलग से टोकन लेना होगा। पाबंदी और नियम तो अपनी जगह हैं, ज्यादातर जगहों पर इनका पालन होते हुए देखा गया, लेकिन कहीं कहीं लोगों ने इसकी धज्जियां भी उड़ा दी हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, यहां 2 गज की दूरी का पालन नहीं हो रहा। कई वोटर्स बगैर मास्क के भी नजर आ रहे हैं। बेशक कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है, लिहाजा सावधानी जरूरी है। आज तक ब्यूरो। चुनावी प्रचार लंबा रहा, घमासान अलग अलग जगहों पर रहा, लेकिन आज वोटिंग के दिन भी तमाम दिग्गज उतरे अपने अपने वोट डालने। देखिए इस रिपोर्ट। राबड़ी देवी इस वक्त हमारे साथ है। पूरा बिहार की जनता जीता रहा, बदलाव चाहता है, बदलाव का गंगा बह रहा है। मैडम नीतीश जी जिस तरीके से हमला बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है, उनका कोई बात नहीं है। मैडम राबड़ी जी से हमारे साथ जनता नहीं पूछ रहा है। राबड़ी जी कैसे चुनाव चल रहा है ये बताइए। बहुत अच्छा चल रहा है, दूसरा पेज है, दूसरा पेज है, मुख्यमंत्री बनेंगे जरूर बनेंगे। मैं सभी बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि सभी लोग जो है मतदान केंद्र पे जाकर के इस लोकतंत्र का जो फेस्टिवल है, जो लोकतंत्र का जो त्योहार है, इसमें भागीदारी ज्यादा से ज्यादा लें। आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में सब लोग अपने मतों का इस्तेमाल करके बदलाव जरूर करेंगे। और तेजस्वी तेज प्रताप के मामा प्रभुनाथ सिंह यादव इस वक्त हमारे साथ है। प्रभुनाथ जी, दोनों भांजे आपके इस बार चुनावी मैदान में फिर से एक बार है, क्या होगा? नहीं जनता का मूवमेंट बन चुका, जनता का पूरे बिहार में मूवमेंट बन चुका है ना। इन लोगों का भी भाजपा जदयू का विदाई है और दोनों भगना 40-50 हजार वोट से जीत के आ रहा है। महागठबंधन 210 सीट जीत के आ रहा है। 210 जीत के, हाँ, 10 तारीख को आप 10 बजे देखिएगा कि कितने बढ़ोतरी हो चुका, हो सकता 200-400 सीट हो जाए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सरकार बनेगी महागठबंधन की तो जंगल राज वापस आ जाएगा जो 1990 से 2000 के बीच में। वो प्रधानमंत्री जी हैं देश का, उनको बोले थे प्रधानमंत्री जी, आप लोगों को भी याद हुआ कि हम 15 लाख रुपया कर्ज में भेजवाएंगे स्विट्जरलैंड से, कहाँ से काला धन लेके आएंगे, सबको आपको बांटेंगे 15-15 लाख खाता पर, और हर एक साल दो करोड़ नौकरी देंगे नौजवानों को। कहाँ नौजवान सब आज रोड पर, वही ना नौजवान आज सरकार बदलने का इसी में है। तो क्या 10 लाख नौकरी का जो तेजस्वी ने वादा किया है आपके भांजा जो है पूरा करेगा वादा अपना? पक्का करेगा। हम पूरे आश्वस्त हैं और अपने वोटर्स को यही कहना चाहेंगे, खासकर हसनपुर की महान जनता को, आदरणीय पूजनीय जनता को हम ये कहना चाहेंगे कि निफिक्र होकर के अपने मतदान केंद्र के पास जाएं और वोट डालने का काम करें। एक और चीज बताएं कि जैसे नीतीश कुमार और जो आरजेडी के तेजस्वी जी हैं आपके छोटे भाई, इनके बीच में काफी एक टसल चल रहा है, कितने मजबूत लगता है? देखिए जनता जो है पूरे तरीके से बदलाव चाह रही है। सर का बात है तो राजनीति में होता रहता है, लेकिन जनता का रुझान है महागठबंधन और तेजस्वी को चेहरा सीएम फेस जनता चाह रही है। इस वक्त सुशील मोदी हैं, वोट करके निकले हैं। सर आपने वोट कर लिया है, क्या है इस बार का आपका आकलन? कि आज ये चुनाव का दिन है, आज के दिन कोई राजनीति की बात नहीं होगी। मैं सभी मतदाताओं से यही अपील करूंगा कि कोरोना से डरे नहीं, और जिस तरह प्रथम चरण के अंदर भारी मतदान हुआ है उसे भारी मतदान दूसरे चरण में होना चाहिए, क्योंकि दूसरे चरण के अंदर जो सीटें हैं वहां आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है पहले की तुलना में, इसलिए लोग घरों से निकले और वोट करें। इसलिए सभी लोगों से अपील है, खास करके पटना शहर के अंदर जो शहरी मतदाता है वो कई बार घरों से कम निकलते हैं, तो उन सभी लोगों से अपील, और पूरे बिहार के अंदर जिन सीटों पर भी चुनाव हो रहा है
लोग घरों से बाहर निकले, दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें और अपने वोट का अवश्य मतदान करें।